मैं उत्तम भाई गुटका थाना से 26 नवंबर 2019 को डॉक्टर प्रवीण सुराना साहब के पास क्लिनिक में आया। उन्होंने ट्रीटमेंट दी 2 घंटा और आधा घंटा उन्होंने कॉन्डोलेंस किया, कॉन्डोलेंस है ना, डिस्कशन मेरे साथ में किया और उन्होंने मेरा जो पहला बिफोर ट्रीटमेंट के पहले जो मेरी डिफेक्ट थी और ट्रीटमेंट के बाद में जो डिफेक्ट थी उसके बारे में मेरे साथ में बातचीत की। मेरा अनुभव इसके लिए बहुत अच्छा रहा और मेरा इम्प्रूवमेंट भी महसूस होता है। अभी मेरे को ये जब तकलीफ थी राइट हैंड में, राइट ईयर में, तो मेरे बचपन से 10 साल का या 12 साल का था तभी से पानी बहता था, कभी पस भी बहता था। चल हॉस्पिटल में ये इसकी ट्रीटमेंट की थी तो उन्होंने वो समय पे मेरे को एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी थी और ड्रॉप्स दिए थे तो उसकी वजह से वो ड्राई हो गया था। लेकिन डॉक्टर ने वहाँ कहा था मुझे कि 25 साल की उम्र या तो 30 साल की उम्र में आपको इसका एक ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन मैंने वो ऑपरेशन नहीं किया। एट द एज ऑफ 25 मेरे को एक दिन ऑल ऑफ द सडन वही राइट ईयर से ब्लड निकला। एंटी डॉक्टर थे और उनके पास ऐसा था कि आप 4 बजे जाओ और 7 बजे तक उन लोग के वहाँ पेशेंट ले लेते थे और वो रात को 12 बजे तक पेशेंट जब तक खत्म नहीं होता तब तक वो डिस्पेंसरी छोड़ते नहीं थे। तो उस समय में उन्होंने नाक का मेरे को इलाज किया, नाक से उन्होंने इंजेक्शन दिया। वो इंजेक्शन बहुत ही गहरा था उस जमाने में, 1972-73 की बात कर रहा हूँ, तो बहुत गहरा था। उसके बाद में उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी जो मेरे एंटीबायोटिक रेगी और ड्रॉप्स दिए थे तो उन्होंने वो समय पर मुझे सूचन किया था कि आप ये दवाइयाँ साथ में लो, उसके साथ में आप जो भी हवा लेते हो श्वास और राइट हैंड से बाहर फेंका करो। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो मेरा सड़ा हुआ पार्ट था ईयर का वो टुकड़ों होके निकल गया। उसके बाद मेरे को राहत हुई। एट द एज ऑफ 40 मीन्स नियरली 1980 में वापस ये प्रॉब्लम शुरू हुआ कान बहने का। मैंने तो मैंने 5-6 एंटी डॉक्टर को बताया, उन्होंने एंटीबायोटिक दिया और उससे ड्राई हो जाता था। लेकिन जैसे ही मेरे को सर्दी चालू होती थी जुकाम तो वापस कान का बहना चालू हो जाता था। अभी 2 साल पहले यानी मेरी एज जब 68 थी तो मैंने हॉस्पिटल थाना में ENT डॉक्टर थे उनकी ट्रीटमेंट ली, उन्होंने मेरे को एंटीबायोटिक दिया और उससे मेरा ड्राई हो गया और लास्ट 2 साल से मेरे को बिल्कुल कान का बहना नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डिफनेस जो राइट हैंड की है वो मेरे को 40 साल से शुरू हो गई। एट द एज ऑफ 40 ये राइट हैंड से सुनना कम हो गया, उसकी इफेक्ट जाके लेफ्ट हैंड पे पड़ी क्योंकि मैं ज़्यादा कोशिश करता था कि लेफ्ट हैंड से मैं ज़्यादा सुनूँ तो उसमें मेरी जो क्षमता थी ईयर की वो ग्रेजुअली कम होते गई। और आज जब मैं यहाँ ये दवा खाने पे आया हूँ तभी मेरी क्षमता ऑलमोस्ट 10% भी नहीं रही है। और इन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया कान में ड्रॉप्स डाले 1-1 आवर दोनों साइड में और उसके बाद में मेरे को ये अपना रेडियो से मेरा ईयर फ्रिक्वेंसी लिया तो जो एंट्री किया उसके बाद में काफ़ी मुझे अच्छा महसूस होने लगा है। और उन लोग का ऐसा है 3 महीने का कोर्स है जो होम्योपैथी दवाई लेनी है और ईयर में ड्रॉप्स डालने हैं। यदि आपको फिर भी अच्छा लगता है तो और 3 महीना आपको एक्सटेंड करना है, ज़्यादा करके राहत होगी। मेरी जो भी कान की तकलीफें हैं सुनाई में उसके बारे में मेरे सजेशन है कि आप एक बार जरूर डॉक्टर सुराना के पास जाइए और आप बन सके तो उनकी जो यूट्यूब पे जो मैसेजेस हैं जो लोगों ने ट्रीटमेंट ली है वो भी आप सुनिए तो आपको बहुत ही फायदा होगा।